हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था एक प्रतियोगिता के बारे में। उस प्रतियोगिता में आपको 5 मिनट का वीडियो महात्मा गांधी जी के ऊपर बनाना था और उस वीडियो को प्रविष्टि के रूप में हमें सबमिट करना था। तो दोस्तों, उस वीडियो को सबसे पहले हमें हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करना है और YouTube चैनल पर अपलोड करने के बाद में हमें प्रविष्टि के रूप में हमारे जो वीडियो का जो लिंक है वो हमें साइट पर सबमिट करना है। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम हमारे वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर किस प्रकार से अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो दोस्तों, YouTube आजकल बहुत ही ज़्यादा काम में लिया जाने वाला है। हम सभी YouTube काम में लेते हैं तो वहाँ पर हम काफ़ी वीडियोस देखते हैं, तो वीडियोस किस प्रकार से अपलोड होते हैं वही आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे YouTube ब्राउज़र पर जाने वाला हूँ। ये मैं YouTube पर गया और YouTube पर जाने के बाद में हम देख पा रहे हैं इस तरह से YouTube ब्राउज़र खुल रहा है। तो हमें हमारा वीडियो अपलोड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड की तरफ आप देख रहे हैं हमारा नाम आ रहा है, ये सर्च का ऑप्शन है और सर्च के ऑप्शन के बराबर में ये जो चिन्ह बना हुआ है वीडियो का, रिकॉर्डिंग जैसे चिन्ह बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो गैलरी है, गैलरी में जितने भी आपने वीडियो शूट कर रखे हैं वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमें वही वीडियो अपलोड करना है जो महात्मा गांधी जी के स्थलों से संबंधित हमने वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो हमें यहाँ अपलोड करना है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो यहाँ अपलोड करके बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे को ये वाला वीडियो यहाँ पर अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैंने वीडियो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइटल में आपने महात्मा गांधी से संबंधित वीडियो बनाया है तो वो आपको टाइटल यहाँ पर टाइप कर देना है। आप यहाँ हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और आप इंग्लिश में भी टाइप करके यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया महात्मा गांधी जी संबंधित वीडियो था हमारा, तो महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों की खोज मैंने पहले टाइप किया हुआ है तो ये आ चुका है मेरे पास। तो यहाँ मैंने टाइटल डाल दिया महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों की खोज। इसके बाद हम नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी हमें इसी वीडियो के से संबंधित जो चीज़ें हैं, वीडियो में हमने कहाँ से किस स्थल का वीडियो बनाया है, महात्मा गांधी जी के बारे में बनाया, तो वही एक दो लाइन हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या इसी को टाइटल को भी हम यहाँ पर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों की खोज आधारित प्रतियोगिता। ठीक है दोस्तों, ये दो टॉपिक हम यहाँ लिख सकते हैं। लिखने के बाद में हम यहाँ पर इसको पब्लिक है, यहाँ पर पब्लिक का मतलब सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और पब्लिक के बाद में आपको यहाँ पर बस दो चीज़ आपको डालनी है और डालने के बाद में आपको आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैं इसको पब्लिक के रूप में कर दिया तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं यहाँ प्राइवेट कर देता हूँ। आपको प्राइवेट नहीं करना है, आपको पब्लिक के रूप में इसको शो करना है। तो यहाँ पर शो करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर जो एरो का चिन्ह है राइट हैंड पर बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका वीडियो 100% प्रोसेस होने के बाद में अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि अपलोडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब, इस मैसेज का मतलब आपका वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है। अब हमें उस वीडियो का लिंक प्रविष्टि के रूप में हमें सबमिट करना है। तो किस तरह से उस वीडियो का लिंक हमें लेना पड़ेगा, तो मान लीजिए दोस्तों आपने वीडियो अपलोड कर दिया, मैं दिखा देता हूँ पहले वाला वीडियो। तो यहाँ पर जो वीडियो के पास में आप राइट हैंड पर 3 डॉट देखेंगे तो इस डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस डॉट पर क्लिक करेंगे एक ये कुछ ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको शेयर पर जाना है। जैसे आप शेयर पर जाएंगे, शेयर पर जाने के बाद में आपको कुछ काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कॉपी लिंक वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे देखिए आप कॉपीड आ चुका है। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो
तो आपका जो वीडियो का जो लिंक है वो कॉपी हो चुका है और वो क्लिपबोर्ड पर सेव हो चुका है। तो अब इस लिंक को हमें साइट पर जाकर के प्रविष्टि के रूप में सबमिट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम प्रतियोगिता में भाग लेकर के हमारा जो वीडियो का लिंक है प्रविष्टि के रूप में डालना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय